हेलो 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 हेलो, चले कहाँ इसमें कैमरा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैरियर विल। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ कंक्रीट चैप्टर दैट वाज बेसिकली लेफ्ट ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ द कंक्रीट चैप्टर। So, my dear students, that particular topic is called as concrete mixed design. आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा important topic होने वाला है, and as well as इस concrete mixed design is also, you can say, not only important for the examination point of view, but when you will get selected in exam, basically different departments, and let us suppose that quality department will be issued to you. So in the quality department you have to design the mixes for different grades of concrete which are not mentioned in IS code number 456. In IS code number 456 the nominal mixes are given up to M20 grades, M15 grades, M10 grades, that is the lean concrete, that is the PCC, plumb concrete, M5 grades are given. However, if other than this, likewise M10, 15 and 20 grades, if basically we have to require, or basically if we have requirement of designing of the different mixes, likewise M25 grade, M30 grade, 40 grade, 50, 60, 65, 70, 80 grades, self compacting concretes, and also the lean concrete, likewise the M7.5 grade, M5 grades. So my dear students, so इन सभी डिजाइन्स के लिए, इन सभी मिक्सेस के लिए हम लोग वी कैनॉट, बेसिकली वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट्स एंड एग्रीगेट्स। सो टू कैलकुलेट द प्रोपोर्शन और द वॉल्यूमेट्रिक प्रोपोर्शन ऑफ द सीमेंट्स एंड एग्रीगेट्स फॉर द डिफरेंट पोर्शन, डिफरेंट प्रोपोर्शन, डिफरेंट डिजाइन स्ट्रेंथ्स, डिफरेंट डिजाइन स्ट्रेंथ्स, बेसिकली वी हैव टू डिजाइन द मिक्स अवर सेल्फ। सो मेरे प्यारे बच्चों, माई डियर लर्नर्स, देर इज अ वेरी वेरी, यू कैन से वेरी वेरी सिंपल प्रोसीजर इज देयर टू डिजाइन द मिक्सेस, है ना। इनिशियली वी हैव टू सिलेक्ट द वाटर सीमेंट रेशियो, और बेसिकली वी हैव टू अज्यूम द वाटर सीमेंट रेशियो, देन वी हैव टू अज्यूम द फाइन एग्रीगेट्स टू द कोर्स एग्रीगेट्स रेशियो, and then according to the, you can say, absolute volume principle, absolute volume principle के ऊपर आधारित आप लोग अपना क्या नाम है उसको डिजाइन कर सकते हैं। बेसिकली हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट्स का प्रोपोर्शंस। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पुट द मेन हेडिंग, दैट इज कंक्रीट मिक्स डिजाइन, that is concrete mixed design from exam point of view as well as from quality lab point of view. This topic is very very important, and this topic is going to be very very important for you people. ये topic आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हां जी, सो कंक्रीट मिक्स डिजाइन है, फॉलो करता है आईएस कोड नंबर 10262 लेटेस्ट, और लेटेस्ट रिवीजन इज 2009। हाउएवर 2019 में भी आपका अमेंड हो चुका है, ऐसी बात नहीं है। ओके, सो भैया अगर हम बात करें नॉमिनल मिक्स की, नॉमिनल मिक्सेस वो मिक्सेस होते हैं जो कि आईएस कोड में मेंशन्ड होते हैं, आईएस 456 फॉर एग्जांपल, है ना। मतलब उनका एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, उनका जो प्रोपोर्शन है जी वो फिक्स्ड होता है। एग्जांपल 1 2 4,
1 to 4 gives me M15 grade, है ना? एक डेढ़ तीन gives me M20 grade. उसने हमें एक दो चार का प्रोपोर्शन M15 के लिए बना दिया. मतलब कहने का, अगर आपको रिक्वायरमेंट है, इफ यू हैव रिक्वायरमेंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एज 15 मेगापास्कल, तो आपके जो सीमेंट सैंड और एग्रीगेट्स का जो प्रोपोर्शन होगा वो एक दो चार होगा. वो कितना होगा जी? 1 to 4 होगा. क्लैरिटी आई? नाउ एक डेढ़ तीन में आपका M20 ग्रेड, तो यहां पर सीमेंट सैंड एग्रीगेट का बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक रेशो, कौन सा रेशो? वॉल्यूमेट्रिक रेशो एक डेढ़ तीन होगा. एंड तीसरा आपका ग्रेड नॉमिनल मिक्सेस में आपका 1 3 6 बेसिकली M10 ग्रेड यूज्ड फॉर पीसीसी एंड इज बेसिकली लीन कॉन्क्रीट, यूज्ड फॉर पीसीसी एंड बेसिकली लीन कॉन्क्रीट, है ना? तो अगर हमें मिक्स डिजाइन करना पड़ जाए तो M5 7.5 या फिर 25 या फिर 30 35 40 50 60 70 80 ग्रेड तक भी अगर आपको डिजाइन करना पड़ेगा तो दैट विल बेसिकली कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ द, यू कैन से, द डिजाइन मिक्सेस. सो फॉर द डिजाइन मिक्सेस वी हैव टू एटलीस्ट मेक टू ट्रायल्स, ट्रायल नंबर वन एंड ट्रायल नंबर टू. या तो अगर दोनों ट्रायल्स अप्रोक्सीमेटली बराबर वैल्यूज दे रहे हैं, देखिए दोनों ट्रायल्स में हम लोगों को सीमेंट के प्रोपोर्शंस को चेंज करना पड़ता है एज वेल एज द वाटर सीमेंट रेशियो को चेंज करना पड़ता है, क्लियर? हां जी. लेकिन ना अब हम लोग अगर पहले बात कर रहे थे नॉमिनल मिक्सेस की, तो नॉमिनल मिक्सेस में ना आपको कभी भी ना ये नहीं होगा कि यार ये मेरी जो बजरी आ रही है ना, मेरी जो गिट्टी आ रही है, ये दादरी से आनी चाहिए या फिर ये मेरी राजस्थान से आनी चाहिए या सूरजपुर से आनी चाहिए या फिर रणजीतपुर यमुनानगर से आनी चाहिए, ऐसा उसमें कोई भी प्रावधान नहीं था नॉमिनल मिक्सेज में. लेकिन जहां पर हम लोग अगर डिजाइन मिक्सेज की बात करेंगे, तो जब आप डिजाइन मिक्स करेंगे तो उस टाइम पर आपका जैसे जैसे सोर्स ऑफ मटेरियल चेंज होगा, ऐसे ऐसे आपको दोबारा डिजाइन मिक्स अगेन से फिक्स करना पड़ेगा, क्लियर? हां जी. तो यहां पर आपका क्वालिटी ऑफ द मटेरियल्स आर नॉट कंसिडर्ड, वेरी वेरी बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है नॉमिनल मिक्सेस के केस में. दैट इज यूज्ड फॉर द रफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है? M15 ग्रेड आप घर में यूज करवाते हो, छत डलवानी है या फिर कॉलम लगवाना है या फिर बीम लगवानी है, तो ठीक है, वहां पर आप इसमें बेसिकली स्मॉल क्वांटिटी में कंस्ट्रक्शन अगर करवा रहे हो तो वहां पर आपका ये जनरली यूज्ड फॉर द रफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना? इट इज नॉमिनल मिक्सेस आर बेसिकली यूज्ड फॉर लेस देन और इक्वल टू M20 ग्रेड्स. जनरली तीन नॉमिनल मिक्सेस आर गिवन इन आईएस कोड नंबर आपका IS 456. However, some provisions are also given in SP 16 and SP 34. Some provisions for the nominal mixes are also given in SP 16, SP 16. May be आपके कुछ provisions आपके given हैं. Special provisions to the concrete structures. ठीक है? हाँ जी. Assume that designated strength shall be attained. ये माना जाता है, होता नहीं है कि अगर मैं एक दो चार का मसाला बनाऊंगा, वाटर सीमेंट तो कहीं दिया ही नहीं भाई, वाटर सीमेंट रेशो कितना होगा वो तो कहीं दिया ही नहीं ना, वो तो कहीं मेंशन ही नहीं किया उसने. वाटर सीमेंट रेशो आपका उसने हमारा कहीं पर भी बेसिकली मेंशन नहीं किया, क्लियर? वाटर सीमेंट रेशो आपका उसने कहीं पर भी आपका मेंशन नहीं किया. तो ठीक है, आपने उसमें पानी मिलाया 0.5 मान करके, 0.4 मान करके, तो ये माना जाता कि आप उसको किसी भी
वाटर सीमेंट रेशियो के साथ किसी भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट के साथ मिलाओगे, पीपीसी यूज करोगे या ओपीसी यूज करोगे, तो आपका ना हमेशा यही स्ट्रेंथ आएगा, यह माना जाता है। लेकिन एक्चुअल में वो इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे वो कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी वर्कमैनशिप के ऊपर, डिपेंड करता है आपका वर्कमैनशिप के ऊपर। सो बेटा ये था हमारा नॉमिनल मिक्स, अब ये डिजाइन मिक्स नहीं था, दिस वॉज द नॉमिनल मिक्स। ओके नाउ आगे बात करते हैं। हां जी, अगर मैं आगे बात करूं तो डिजाइन मिक्स ये हमारा इंपॉर्टेंट है। डिजाइन मिक्स जो ग्रेड्स आर नॉट गिवन द प्रोपोर्शंस, वॉल्यूमेट्रिक प्रोपोर्शंस ऑफ द ग्रेड्स फॉर विच ग्रेड्स आर नॉट गिवन, दैट ग्रेड्स आर टू बी डिजाइन सेपरेटली, है ना। ये बेसिकली फॉर ग्रेड्स और फॉर ग्रेड्स विच आर नॉट गिवन इन आईएस 456, ठीक है ना जी। सो यहां पर डिजाइन प्रोपोर्शन ऑफ द मटेरियल्स फॉर द कंक्रीट, हम लोगों को डिजाइन करना पड़ता है प्रोपोर्शंस ऑफ द मटेरियल्स, सी इज टू एस इज टू ए, यूजिंग द एक्चुअल सैंपल्स ऑफ द मटेरियल्स। मतलब कहने का यहां पर हमारा क्वालिटी भी कंसिडर किया जाएगा, सही है, क्वालिटी ऑफ द मटेरियल्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसने हमें क्या बोला, अगर आपका मटेरियल सोर्स चेंज हो रहा है फ्रॉम वन साइट टू अनदर साइट, एग्जाम्पल फ्रॉम दादरी टू यमुना नगर फॉर एग्जाम्पल, तो न्यू टेस्ट को किया जाएगा डिजाइन मिक्स के लिए। न्यू टेस्ट मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका दादरी वाले मटेरियल्स का, कोर्स सैंड का या फिर कोर्स एग्रीगेट्स का, फाइन एग्रीगेट्स का, है ना। यहां पर जो ये मटेरियल्स है ना बेटा, यहां पर ये जो मटेरियल्स हैं, दीज मे बी द कोर्स एग्रीगेट्स, दीज मे बी द फाइन एग्रीगेट्स, दिस मे बी द कोर्स सैंड, दिस मे बी द कोर्स सैंड। ओके, तो अगर इन मटेरियल्स का सोर्स चेंज होगा तो इनका ग्रेडेशन टेस्ट, सीव एनालिसिस, है ना, इनका मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट और मॉइस्चर करेक्शंस, ऑल द टेस्ट्स बेसिकली विल बी परफॉर्म्ड अगेन फॉर द न्यू साइट मटेरियल। ओल्ड साइट मटेरियल, ओल्ड मेरा जो सोर्स था मटेरियल का, वहां वाले रिजल्ट्स अब एप्लीकेबल नहीं होंगे, पहली बात, क्लियर। हां जी, हां जी, अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, कि आईएस 10262 क्या कहता है कि एवरेज स्ट्रेस, एफ एवरेज शुड बी मोर देन और इक्वल टू द, यू कैन से टारगेट मीन स्ट्रेंथ, शुड बी मोर देन और इक्वल टू द टारगेट मीन स्ट्रेंथ। एफएम क्या है जी, एफएम इज टारगेट मीन स्ट्रेंथ, किसमें, मेगा पास्कल में। एवरेज वैल्यू ऑफ द स्ट्रेंथ मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू द टारगेट मीन स्ट्रेंथ। ओके, सो व्हाट इज द टारगेट मीन स्ट्रेंथ, दैट डिपेंड्स फॉर द इंडिविजुअल सैंपल्स एंड फॉर द, यू कैन से द डिजाइन पर्पसेस। सो इफ आई अगेन कंक्लूड, टारगेट मीन स्ट्रेंथ का वैल्यू आपका होता है FCK प्लस 1.64 सिग्मा। टारगेट मीन स्ट्रेंथ TMS इज इक्वल टू FM,
एक्चुअली सैंपल्स को डिजाइन तो इसी स्ट्रेंथ के लिए किया जाता है, इज इक्वल टू एफ सी के प्लस 1.64 सिग्मा, एफ सी के प्लस 1.64 सिग्मा। सिग्मा जो है दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द, बेसिकली जो भी हम लोग एज्यूम करके चलते हैं, सिग्मा इज द अज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। इस अज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू टेबल नंबर 2 ऑफ आईएस कोड नंबर 456 एंड टेबल नंबर 1 ऑफ आईएस कोड नंबर 10262, दिस इज द टेबल नंबर 1 ऑफ आईएस कोड नंबर 10262। टेबल क्या कहती है बेटा, टेबल बोली, क्या बोली कि अगर आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिवन है, अगर आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिवन है ना, तो वहां पर आप स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकाल सकते हो, अज्यूम्ड स्टैंडर्ड डेविएशन हैविंग द यूनिट्स ऑफ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सिग्मा की वैल्यू की बात कर रहा हूं, किसकी वैल्यू की बात कर रहा हूं जी, सिग्मा की वैल्यू की बात कर रहा हूं। अगर आपका एम 10 और एम 15 ग्रेड हैं, इन दो ग्रेड्स के लिए वैल्यू इज इक्वल टू 3.5 मेगा पास्कल, वैल्यू इज इक्वल टू 3.5 मेगा पास्कल। एम 20 और 25 ग्रेड है, तो इन दो ग्रेड्स के लिए द वैल्यू इज 4.0 मेगा पास्कल। एंड अब मोर देन एम 30 ग्रेड्स हैं, मोर देन और इक्वल्स टू एम 30 ग्रेड्स, वैल्यू इज इक्वल टू 5 मेगा पास्कल। एंड मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा यूज होने वाली वैल्यू आपका एम 30 से बड़े ही ग्रेड्स को हम लोगों को डिजाइन करना पड़ता है ना, उससे हमें बड़े ग्रेड्स को डिजाइन करना पड़ता है। क्लियर, वाटर कितना चाहिएगा भाई, हम लोग डिजाइन मिक्स करने जा रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको कोई ना कोई तो वाटर कंटेंट मानना पड़ेगा ना, कोई ना कोई तो आपका वाटर कंटेंट आपको मानना पड़ेगा। अब आपके पास नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट्स तो जरूर होगा, 10 mm हो सकता है, 20 mm हो सकता है, 40 mm हो सकता है। तो 10 mm नॉमिनल साइज ऑफ द ग्रेट कंक्रीट सॉरी एग्रीगेट के लिए द मैक्सिमम वाटर रिक्वायर्ड पर क्यूबिक मीटर ऑफ द कंक्रीट इज इक्वल टू 208 liters, सही है ना। सिमिलरली फॉर 20 mm नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट्स द मैक्सिमम वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड इज 186 liters पर क्यूबिक मीटर ऑफ द कंक्रीट। एंड इफ नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट्स इज 40 mm देन मैक्सिमम वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड पर क्यूबिक मीटर ऑफ द कंक्रीट इज 160 liter, ठीक है ना। तो 165 liter भी जा सकता है मैक्सिमम। तो हम लोग अगर जनरली बात करें, अगर मैं आप लोगों के लिए एक टेबल और बना देता हूं, ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से। तो यहां पर हां जी, ओके, नाउ देखिए
nominal size of aggregates. This is basically table number 2 of IS code number 10262. This is table number 2 of 10262. Okay, nominal size of the aggregates and the maximum water required per cubic meter of concrete, and this water is in the liters. This nominal size of the aggregates is in mm. अगर 10 mm है, 20 है, 40 है, जनरली ये यूज करते हैं. 10 के साथ 208 लीटर, 20 के साथ 186 लीटर एंड 40 के साथ 165 लीटर पर क्यूबिक मीटर ऑफ द कंक्रीट आपका वाटर रहेगा. क्योंकि ये चीजें अज्यूम करनी पड़ेंगी ना बेटा, हम लोगों को ये चीजें अज्यूम करनी पड़ेंगी. उसके बाद हम लोगों को ट्रायल मिक्सेस करवाने पड़ेंगे, है ना. उसके बाद हम लोगों को ट्रायल मिक्सेस करवाने पड़ेंगे, एंड ट्रायल मिक्सेस के लिए बेसिकली फाइन एग्रीगेट्स टू द कोर्स एग्रीगेट्स रेशियो शुड बी अज्यूम्ड टू एज 1:2 should be assumed as 1:2. तो ये बेसिकली वी हैव टू एज्यूम दिस, वी हैव टू एज्यूम दिस वन. ओके, हम लोगों को ये एज्यूम करना पड़ेगा कि फाइन एग्रीगेट्स टू द कोर्स एग्रीगेट्स रेशियो मस्ट बी इन द रेंज ऑफ द 1:2, और मैक्सिमम यू कैन एज्यूम बाई 1:3. Okay, so fine aggregates to the coarse aggregates ratio must be assumed to be 1:2, maximum basically 1:3, है ना. हम लोगों को उसके तरीके से हम लोगों को बेसिकली मान लेना पड़ता है, और फिर उसके बाद हम लोग अपना बेसिकली मिक्स डिजाइन कर लेते हैं. उसके बाद हम लोग अपने मिक्स डिजाइन को बेसिकली परफॉर्म कर लेते हैं. सो बेटा, ये जो आपके पास इस पार्टिकुलर स्लाइड में जो डेटा है ना, यही डेटा आपका एक ब्रह्मास्त्र है मिक्स डिजाइन करने के लिए. टारगेट बीम स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन करना पड़ेगा. कभी भी डिजाइन एफसीके के लिए नहीं होगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के लिए नहीं होगा, हमेशा टारगेट बीम स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन होगा. यह बात आपको याद रखना है. फाइन एग्रीगेट्स टू द कोर्स एग्रीगेट्स रेशो 1:2. वाटर कंटेंट बताई दिया है, नहीं तो वाटर सीमेंट रेशो आप 0.6 के बीच में भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना. ये कुछ हमारा डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमें बेसिकली एज्यूम करना पड़ता है ना, जो हमें बेसिकली एज्यूम करना पड़ता है. ओके, सो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि एवरेज मेरी जो स्ट्रेंथ आएगी ना, मैं ट्रायल वन करूंगा, ट्रायल मिक्सेस करूंगा ना, मुझे ट्रायल मिक्सेस तो करने पड़ेंगे ना. बेसिकली I have to perform the trial mixes, है ना. तो trial mixes कम से कम दो तो trial mixes आपको जरूर करने पड़ेंगे. At least two number of the trial mixes you must have done. Okay, दो trial mixes तो आपको करने ही करने पड़ेंगे, तभी जाकर के आपकी बात बनेगी, ठीक है ना. ट्रायल मिक्सेस 1 एंड ट्रायल मिक्सेस 2. ओके, नाउ अगर हम बात करें कि ट्रायल मिक्सेस में आपकी जो स्ट्रेंथ है, दैट स्ट्रेंथ एवरेज स्ट्रेंथ मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू, ये आप देख रहे हैं ना, ये हमने देखा कि एवरेज स्ट्रेंथ मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू द
टारगेट मीन स्ट्रेंथ, बिकॉज अगर उसकी ट्रायल मिक्स की स्ट्रेंथ अगर मेरी टारगेट मीन स्ट्रेंथ से कम आ गई जिसके लिए हमने उसको डिजाइन मिक्स को डिजाइन किया है, तो मामला तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे ना, तो उसमें आपकी चीजें सोल्व आउट नहीं हो पाएंगी। ओके हां जी, तो आगे बात करते हैं। अब अगर आपको साइट पे टेस्टिंग करवानी है, इसमें कि बहुत बड़ा खेला है, तो उस टाइम पर एफएम के बाद वो नहीं होता है। तो कंक्लूड करते हैं एफएम इज इक्वल टू एफसीके प्लस 0.825 सिग्मा फॉर इनसीटू टेस्टिंग, है ना, एंड एफएम इज इक्वल टू एफसीके प्लस 1.64 सिग्मा फॉर डिजाइन मिक्सेस। ये दोनों चीजों में ना आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है जी, है ना, इन दोनों चीजों में यू मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड, है ना, इन दोनों चीजों में आपको कंफ्यूजियाना नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि डिजाइन मिक्सेस की, तो डिजाइन मिक्स के लिए हमारा नीचे वाला फार्मूला एप्लीकेबल रहेगा, एफसीके प्लस 1.64 सिग्मा, एफसीके प्लस 1.64 सिग्मा। सो द टेस्टिंग एट साइट एंड फॉर द डिजाइन मिक्सेस डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आर इन फ्रंट ऑफ यू, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आर इन फ्रंट ऑफ यू। ओके भाई, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको M30 ग्रेड डिजाइन करना है, तो M30 ग्रेड के लिए स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू 5 मेगापास्कल है, तो डिजाइन मिक्सेस के लिए आपको 30 एफसीके प्लस 1.64 सिग्मा, 1.64 इंटू सिग्मा, सिग्मा इज 5, सो एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ द टू ट्रायल मिक्सेस मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू द 38.25 मेगापास्कल, ना कि 30 मेगापास्कल। आपको M30 डिजाइन करना है लेकिन उसकी एवरेज स्ट्रेंथ आपकी जो है वो आपकी कम से कम बेसिकली 38.25 मेगापास्कल से आपका ऊपर आना चाहिए। कहां गया भाई, एक मिनट बेटा, हाँ 38.25 से आपका बेसिकली ऊपर आना चाहिए। क्लियर, अब वापस आते हैं, पहले जनरल गाइडलाइंस बाद में देखेंगे हम लोग। जो आपकी टारगेट मीन स्ट्रेंथ है एफसीके, सॉरी माय मिस्टेक, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, एफसीके क्या होता है जी, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन मेगापास्कल, है ना, 95% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स मस्ट बी, और बेसिकली ओनली 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स मे फेल, है ना, 95% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स मस्ट बी पास्ड। ओके, तो ये आपकी वो वैल्यू होती है 95% ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स, इट मस्ट नॉट फेल इन द 95% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स, तो मस्ट बी पास्ड, है ना, बेसिकली ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ व्हेन मेगापास्कल, और सॉरी मेगापास्कल न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में दी जाती है। क्लियर, फॉर एग्जांपल M10 ग्रेड के लिए एफसीके इन मेगापास्कल विल बी 10 मेगापास्कल, 15 ग्रेड के लिए 15 मेगापास्कल, ऐसा मिक्स, एम स्टैंड्स फॉर मिक्स और मोर्टार, विच गिव्स मी द 10 मेगापास्कल स्ट्रेंथ एट 28 डेज, बेसिकली 28 डेज पे ही है, एट 28 डेज क्यूरिंग, और यू कैन से द टाइम पीरियड,
टाइम पीरियड कितना होगा बेटा, 28 डेज होगा, क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये वैल्यूज याद रखनी है, कोई चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर। तो ये आपका हो गया बेसिकली स्टैंडर्ड एविएशन जनरल गाइडलाइंस। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको डिजाइन मिक्स करना है तो क्या क्या मेरी जनरल गाइडलाइंस रहेंगी, किन किन जनरल गाइडलाइंस को मैं फॉलो करके अपने मिक्स को मैं डिजाइन करवाऊंगा, इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके सॉरी ओके हाँ जी, तो क्या क्या मेरी जनरल गाइडलाइंस रहेंगी कंक्रीट को डिजाइन करने की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो जनरल गाइडलाइंस फॉर डिजाइन मिक्स, सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा, सबसे पहले आप ये याद कर लो कि किस पार्टिकुलर स्ट्रेंथ के लिए यू हैव टू डिजाइन द मिक्स, मतलब FCFM का वैल्यू निकाल लो। जैसे कि ऊपर निकाला M30 ग्रेड डिजाइन करना है, लेकिन एक्चुअल डिजाइनिंग किसके लिए होगी वो आपके सामने है, 38.25 मेगापास्कल के लिए होगी। सिलेक्ट ए सूटेबल वाटर सीमेंट रेशियो, हां जी एक सूटेबल वाटर सीमेंट रेशियो सिलेक्ट कर लो बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ। जनरली हायर स्ट्रेंथ के लिए वाटर सीमेंट रेशियो मस्ट बी लेस, स्ट्रेंथ इज इनवर्सली रिलेटेड विद वाटर सीमेंट रेशियो, है ना। अगर वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ आपकी कम आएगी, यह माना जाता है, होता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, वाटर सीमेंट रेशियो से ना मेरी वर्केबिलिटी इफेक्ट हो सकती है,
वाटर सीमेंट रेशियो से मेरी स्ट्रेंथ इफेक्ट नहीं होती है, वर्केबल बन सकता है कंक्रीट, वो आपकी बात मान ली। क्लियर? हां जी, आपने वाटर सीमेंट रेशियो सिलेक्ट कर लिया। अब थोड़ी देर पहले आपको वाटर कंटेंट की इतनी अच्छी सी टेबल बनवाई थी बेस्ड ऑन द वर्केबिलिटी चार्ट्स। बेसिकली इफ आई एम कंक्लूड दिस वन, दिस इज बेस्ड अपॉन वर्केबिलिटी चार्ट्स। ओके, नाउ दिस इज बेस्ड अपॉन द वर्केबिलिटी चार्ट्स, ठीक है ना, ये आपका उसके ऊपर आधारित रहेगा। तो जी यहां से इस पार्टिकुलर टेबल से बेसिकली यू कैन डिसाइड द वाटर कंटेंट बेस्ड अपॉन द वर्केबिलिटी चार्ट्स, वाटर कंटेंट बेस्ड अपॉन द वर्केबिलिटी चार्ट्स यू कैन डिसाइड। वाटर आ गया तो क्या सीमेंट कंटेंट, वाटर सीमेंट रेशियो के आधार पर सीमेंट कंटेंट नहीं निकल सकता? बिल्कुल निकल सकता है। हां जी, तो कैलकुलेट द सीमेंट कंटेंट रिक्वायर्ड, निकाल लो ना भाई, है ना, लीजिए। तो सीमेंट कंटेंट, वाटर कंटेंट आपने एज्यूम कर लिया एंड आपका वाटर सीमेंट रेशियो भी एज्यूम कर लिया। दिस वाटर कंटेंट वाज फ्रॉम द टेबल और फ्रॉम द वर्केबिलिटी चार्ट्स, ठीक है ना, दिस इज द अज्यूम्ड वैल्यू, अज्यूम्ड वैल्यू बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड। आपकी स्ट्रेंथ कितनी रिक्वायर्ड है जी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपने सीमेंट कंटेंट निकाल लिया। प्लीज बी केयरफुल, अपन जो डिजाइन मिक्स कर रहे हैं ये पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट कर रही है, हम जो डिजाइन मिक्स कर रहे हैं वो पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट कर रहे हैं। डिसाइड ए रेशियो ऑफ द फाइन एग्रीगेट्स टू द कोर्स एग्रीगेट्स एंड दिस रेशियो इज जनरली एज्यूम टू बी लाइकवाइज 1:2, मैक्सिमम अप टू 1:3। क्लियर? मान लिया। अब हमारी बारी आ गई, सीमेंट निकाल लिया, वाटर आपका वर्केबिलिटी चार्ट से आ चुका है, तो केवल आप लोगों को फाइन एग्रीगेट्स एंड कोर्स एग्रीगेट्स का मास निकालना है एंड प्रिंसिपल यूज्ड, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, विच प्रिंसिपल विल बी यूज्ड, एब्सोल्यूट वॉल्यूम प्रिंसिपल विल बी यूज्ड, विच प्रिंसिपल विल बी यूज्ड, एब्सोल्यूट वॉल्यूम प्रिंसिपल विल बी यूज्ड। ओके, एब्सोल्यूट वॉल्यूम प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, आपके सामने फार्मूला है, आपके सामने फॉर्मूला है जी एब्सोल्यूट वॉल्यूम प्रिंसिपल का। मास ऑफ, देखिए बात क्या कर रहा है, बात कर रहा है वो आपका कि मुझे कहीं ना कहीं पर वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है। एब्सोल्यूट वॉल्यूम प्रिंसिपल यही है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है बेटा। क्लियर? तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास पर यूनिट डेंसिटी एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम यू आर गोइंग टू डिजाइन, दिस इज क्लियरली मेंशनड पर मीटर क्यूब ऑफ द कंक्रीट, मींस फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ द कंक्रीट, फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ द कंक्रीट। सो दिस इज नथिंग, दिस इज 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट है, 1 मीटर वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। बेसिकली आप इसको डिजाइन करने
जा रहे हैं। तो मास ऑफ कंक्रीट और मास ऑफ माई मिस्टेक, मास ऑफ सीमेंट टू द डेंसिटी ऑफ सीमेंट, मास ऑफ फाइन एग्रीगेट टू द डेंसिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट, मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट टू द डेंसिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ द वाइड्स, डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज एडेड, डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ द वाइड्स जनरली 2% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट, 0.02 सॉरी ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट हम लोग इसमें एज्यूम कर लेंगे, हो गया काम खत्म। यहां से हमारा या तो फाइन का निकलेगा या तो कोर्स का निकलेगा,
ओके हाँ जी, तो हमारा यहां पर एब्सोल्यूट वॉल्यूम प्रिंसिपल आ गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब हमें इसके आधार पर पहले न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है कि किसी पार्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए कैसे आपको डिजाइन करवाना पड़ेगा, वो हम लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा, दैट वी हैव टू डिस्कस। ओके हाँ जी, तो आइएगा, एक बात और भी है, कुछ कॉन्सेप्ट्स इस प्रकार के होते हैं कि अगर आपको मान लीजिए वॉल्यूम के आधार पर या फिर फाइननेस मॉडुलस के आधार पर अगर चीजें कैलकुलेट करनी पड़ जाएं तो फिर कैसे चीजें कैलकुलेट होंगी, है ना। कुछ क्वांटिटीज अगर आपके फाइननेस मॉडुलस एंड वॉइड्स के आधार पर इफ यू हैव टू कैलकुलेट, इफ यू रिक्वायर टू कैलकुलेट, देन हाउ द क्वांटिटीज आर बीइंग डिटरमाइंड, हाउ द क्वांटिटीज आर बीइंग डिटरमाइंड। तो हम लोगों का जो जनरल प्रिंसिपल है, क्वांटिटीज ऑफ द इनग्रेडियंट्स, क्वांटिटीज ऑफ द इनग्रेडियंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द मिक्स और मोर्टार। तो भैया टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स बेसिकली इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, सॉरी सीमेंट, फाइन एग्रीगेट्स एंड द कोर्स एग्रीगेट्स। हाउएवर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एयर्स एंड वाटर, दैट बेसिकली बिकॉज वाटर कैन ऑल्सो यू कैन से पेनिट्रेट इन टू द वॉइड्स, वाटर कैन ऑल्सो पेनिट्रेट इन टू द वॉइड्स। ओके, वाटर कैन ऑल्सो पेनिट्रेट इन टू द वॉइड्स, ठीक है ना। तो जनरली अगर हम बात करेंगे कि वाटर अगर आपका वॉइड्स के अंदर पेनिट्रेट करेगा, और एयर तो वॉइड्स के अंदर होती ही होती है, सही है ना, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड सॉलिड्स, एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वाटर, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट्स एंड द कोर्स एग्रीगेट्स। क्लियर, ये बात हम लोग को पहले पता है कि एक मीटर क्यूब ऑफ वेट कंक्रीट इज इक्वल टू द 1.53 मीटर क्यूब ऑफ द ड्राई कंक्रीट, क्योंकि ड्राई कंक्रीट के अंदर वाइड्स होते हैं और जब उसके अंदर पानी भर जाता है, एयर इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय द वाटर, इट बेसिकली श्रिंक्स एंड द वॉल्यूम गेट्स श्रिंक्स। सो यू कैन से द ड्राई वॉल्यूम इज ऑलवेज मोर देन द, यू कैन से द वेट वॉल्यूम। ओके, तो जनरली हम लोगों ने एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट के ऊपर आधारित ये सारी कैलकुलेशंस भी हमने की थी वहां पर, तो 1.53 बाई 1.54 के आसपास आपका आया था, 1 मीटर क्यूब ऑफ द वेट कंक्रीट इज इक्वल टू द 1.53 मीटर क्यूब ऑफ द ड्राई कंक्रीट, 1.53 मीटर क्यूब ऑफ द ड्राई कंक्रीट। ऑलवेज इन द न्यूमेरिकल्स इट इज गिवन टू यू अबाउट द वेट कंक्रीट और वेट वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट, है ना। सो ऑलवेज वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल, इज गिवन इन द न्यूमेरिकल। ओके हाँ जी, हमेशा आपके वेट वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट इज गिवन, सो सॉरी माय मिस्टेक, हाँ ठीक है, तो ड्राई वॉल्यूम आपकी उसमें आपका बेसिकली ज्यादा हो जाएगा चीजें, ठीक है ना। 1 मीटर क्यूब ऑफ द वेट कंक्रीट इज इक्वल टू द 1.53 मीटर क्यूब ऑफ द ड्राई कंक्रीट। ओके नाउ आगे डिस्कस करते हैं, अगर मेरा मुझे डिजाइन फाइननेस मॉडुलस के ऊपर आधारित करना पड़ जाए, आपको बताया था
pineness modulus is the cumulative percentage of the passing of the material, and on the basis of that D10 निकाला था, D60 निकाला था, D30 निकाला था, and coefficient of curvature and coefficient of uniformity we have calculated, है ना? जो आपका बेसिकली डिजाइन साइज था, जो इफेक्टिव साइज ऑफ द पार्टिकल्स था, दैट वाज D10. D10 इज द इफेक्टिव साइज. D10 वाज द इफेक्टिव साइज. Cu वाज द D30 स्क्वायर ओवर D60 इंटू D10, एंड D60 ओवर D10 इज द कोफिशिएंट ऑफ द यूनिफॉर्मिटी. ओके, नाउ अगर आपको उसके ऊपर आधारित कैलकुलेशंस करनी पड़ जाएं, तो कम से कम क्वांटिटी ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन द फर्स्ट बैच इज गिवन बाय, इज कैलकुलेटेड बाय. देखो कैसे कैलकुलेशन होंगी जी, ये आपके पास बेसिकली यू कैन से द वेरी वेरी द इंपॉर्टेंट फार्मूला इज देयर. ओके, क्या कहता बेटा, ये बोला कि आपने मैक्सिमम वाटर कंटेंट दिखा दिया, दिखाया था ना मैक्सिमम वाटर कंटेंट. यहां पर अगर मैं उस चीज को रिपीट करूं, तो मैक्सिमम वाटर कंटेंट 10, 20, 40 के साथ हाउ मच वैल्यू वाज देयर बेटा, 208 लीटर पर मीटर क्यूब. देखिएगा बुक्स में आपको इस तरीके से मिलेगा कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब. बेटा वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होती है, तो लीटर्स और किलोग्राम में कोई भी डिफरेंस नहीं है. ओके, इन द केस ऑफ द लिक्विड्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कंसिडर्ड, इज टेकन इन टू द कंसिडरेशन वेयर वेट इज इक्वल टू एम इन टू जी. एंड अगर जी की वैल्यू अगर आप 9.8 या 10 कंसिडर करोगे, तो वेट बिकम्स इक्वल टू द बेसिकली मास. यू हैव टू एज्यूम इट. ओके, सो 208 एंड दिस वाज 186, दिस वाज 165. ओके, मैक्सिमम वाटर कंटेंट हमने डिस्कस कर लिया था. नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मिनिमम वाटर कंटेंट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मिनिमम वाटर कंटेंट, सो एक सेकंड, मिनिमम वाटर कंटेंट इज बेसिकली कैलकुलेटेड बाई दिस फार्मूला दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द फाइनेस मॉडुलस. एंड फाइनेस मॉडुलस यू नो वेरी वेल द कुमुलेटिव परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल्स पासिंग थ्रू द डिफरेंट सेट ऑफ द सीव्स. ओके, कीजिए नोट यहां तक, फिर आगे चलते. हां जी, सो दिस वाज द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एंड दिस वाज द मिनिमम वाटर कंटेंट. ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला बेस्ड ऑन द फाइनेस मॉडुलस, हाउ द वाटर कंटेंट इज बेसिकली गेटिंग डिटरमाइंड. 0.3p प्लस 0.01 सॉरी 0.1y प्लस 0.01z इज इक्वल टू वाटर सीमेंट रेशियो इनटू पी. व्हाट इज द पी वैल्यू? That P is the quantity of the cement by weight. What is the P value? That is the quantity of the cement by weight. Okay. Now, what is the Y value? Quantity of the fine aggregates by the weight. Basically, my dear students, in the practical life, batching by weight is being preferred. Batching by weight is basically used. Batching by weight is used. Practically, however, theoretically you can design also and by the, you can say batching by the principle. Batching means basically batching आपको पढ़ाया था ना कंक्रीट में, बैच करवाना, मेटल्स को इकट्ठा करना, मेजरमेंट करवाना बेसिकली. क्लियर? हाँ जी, बैचिंग बाई वेट इज यूज प्रैक्टिकली. 0.3p प्लस 0.1y प्लस 0.101z इज इक्वल टू वाटर सीमेंट रेशियो इनटू पी. पी इज द बेसिकली
you can see the quantity of the cement by weight, quantity of the fine aggregates by weight, that is Y, quantity of coarse aggregates by weight, and WC is the water cement ratio, having the range of, you can say, 0.4 to 0.6. Having the range is equal to the 0.4 to 0.6. Okay, this is the range of the water cement ratio. This is the range of the water cement ratio. Clear? हाँ जी. तो बेटा यहां पर I think basics आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हो गया. मैं रिपीट कर देता हूं, डिजाइन मिक्स का बेसिक्स. लेट मी रिपीट, है ना. हाँ जी, कंक्रीट मिक्स डिजाइन में इट वॉज द नॉमिनल मिक्स, दिस वॉज द डिजाइन मिक्स. टारगेट मीन स्ट्रेंथ, कैसे डिफरेंट वैल्यूज आर बीइंग एज्यूम्ड, है ना. सारी वैल्यूज को कैसे कैसे एज्यूम करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, है ना. इनग्रेडियंट्स की क्वांटिटीज ऑफ इनग्रेडियंट्स रिक्वायर्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेस मॉडल्स ऑफ द मिक्स डिजाइन, कैसे आपकी बेसिकली मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड पहले बैच में निकाली जाएगी. आइएगा कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, डिजाइन मिक्स हो जाएगा कंप्लीट. कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, डिजाइन मिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा. क्लियर? हां जी. यूजिंग द मिक्स डिजाइन प्रोसीजर, मिक्स प्रोपोर्शन फॉर द डिजायर्ड ग्रेड कंक्रीट हैव बीन ऑब्टेन्ड एज. उसने हमें क्या दिया बेटा, उसने हमें सीमेंट इज टू सैंड इज टू एग्रीगेट्स का प्रोपोर्शन दिया, बाई वेट दिया है, बाई वेट दिया बेटा. क्लियर? विद वाटर सीमेंट रेशियो एज 0.5 एंड द एयर कंटेंट एज 3%, मीन्स वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स मस्ट कंसिस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एयर एज 3%. ओके, कैलकुलेट द वेट ऑफ द इंडिविजुअल इनग्रेडियंट टू मेक. हम लोगों को 0.25 मीटर क्यूब के लिए यहां पर डिजाइन करना है, ना कि 1 मीटर क्यूब ऑफ द कंक्रीट. अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि यार ये 0.25 मीटर का कॉन्सेप्ट कहां पर आ गया. मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्त गण मित्र, एक मॉडल होता है, दैट इज द CP30 मॉडल ऑफ द बैचिंग प्लांट है, ठीक है ना. यहां से आप एक लोट में कंक्रीट प्रोड्यूस करवा सकते हो 0.25 मीटर क्यूब एंड 0.5 मीटर क्यूब, ठीक है ना. ये बेसिकली कंक्रीट के प्रोडक्शन के ऊपर बेटा आधारित रहता है. किसके ऊपर आधारित रहता है जी? कंक्रीट के प्रोडक्शन के ऊपर आधारित रहता है. तो अगर उसने हमें 0.25 मीटर क्यूब दिया है, इट मींस कहीं ना कहीं पर उसने ऐसा बैचिंग प्लांट मॉडल यूज किया है जिस बैचिंग प्लांट की वन लोट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आपकी कितनी है बेटा, आपकी उसमें बेसिकली 0.25 मीटर क्यूब है ना. आपकी कितनी कैपेसिटी है जी? 0.25 मीटर क्यूब है. ओके, एक लोट में वो 0.25 मीटर क्यूब बनाता है, तो हम लोगों को उसको डिजाइन डेटा चाहिए ना. वो बिल्कुल पका पकाया चाहता है, उसको वो मेहनत नहीं करना चाहता है. अगर आपने एक मीटर क्यूब का निकाल के दे दिया तो उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा. हेलो, भेज दो धीरज जी.
हाँ जी, तो अब हम लोगों को बात करना है, उसने ना स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, डेंसिटी नहीं दिया बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है कि बेसिकली डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड मटेरियल, सही है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड मटेरियल, क्लियर। हाँ जी, तो सीमेंट की डेंसिटी दे दी, सॉलिड्स की डेंसिटी दे दी, और सैंड बोल लीजिए, एंड कोर्स एग्रीगेट्स की डेंसिटी दे दी। सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट्स की उसने हमें डेंसिटी प्रोवाइड करवा दिया, सही है ना। तो जी वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आपका, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू होता है, थोड़ी देर पहले पढ़ा, ज्यादा पीछे नहीं पढ़ा हमने, इसी स्लाइड में पढ़ा था, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर, वाटर एंड सीमेंट फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट्स। सीमेंट फाइन एग्रीगेट्स एंड कोर्स एग्रीगेट्स, तो एयर वाटर एंड द यू कैन से सैंड, और टोटल सॉलिड्स बोल दिया उसने बेसिकली। लो टोटल उसने हमें सॉलिड्स बोल दिया है, तो भैया लगा दो फार्मूला। यहां पर, वहां पर हमने 1 मीटर क्यूब के लिए बात किया था, यहां पर हम बात करेंगे 0.25 मीटर क्यूब के लिए, यहां पर हम बात करेंगे 0.25 मीटर क्यूब के लिए, क्लियर। हां जी, तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू 0.25 मीटर क्यूब, है ना। तो 0.25 मीटर क्यूब के लिए अगर आपको बात करना है, तो देखिएगा, पहले आपका बेसिकली एसी इंटू वीसी, वट एवर द कंटेंट ऑफ द, यू कैन से सीमेंट, वाटर, सीमेंट, आपका सैंड एंड द कोर्स एग्रीगेट्स, है ना। तो जनरली हम लोगों ने पूरे को सोल्व किया, यहां पर कुछ भी नहीं है। देखो, अगर मैं यहां पर डेंसिटी की बात करूंगा, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, मास पर यूनिट डेंसिटी कर दी और ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका वॉल्यूम आ गया ना, आपका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। तो मास ऑफ वाटर एज इट इज रख दिया। अब वाटर सीमेंट रेशियो उसने 0.5 दे रखा है, तो मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सीमेंट, पुट कर दिया 0.5 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सीमेंट पुट कर दिया। सीमेंट को एज इट इज रखा, एक बार सीमेंट निकल जाए ऑटोमेटिकली सारी चीजें निकल जाएंगी, क्लियर, क्योंकि उसने प्रोपोर्शन दे रखा है। सीमेंट जो भी निकलेगा, 2.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सैंड आ जाएगा, 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कोर्स एग्रीगेट्स आ जाएंगे, 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वाटर आ जाएगा, यही हमें निकालना है। एंड मास ऑफ सॉलिड्स, सॉरी सैंड, दैट इज इक्वल टू 0.1 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सीमेंट। मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स इज इक्वल टू 3.5 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सीमेंट, है ना। और नीचे हमारी, नीचे डेंसिटी है ही हमारी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आपका सैंड एंड स्टैंडर्ड मटेरियल, आपका जनरली क्या लिया जाता है, डेंसिटी ऑफ वाटर लिया जाता है, जनरली क्या लिया जाता है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी और 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, 1 ग्राम पर सीसी या फिर 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, क्लियर। तो भैया जब आप यहां पर पुट करेंगे ना सारी चीजों को, जब आप यहां पर सारी चीजों को पुट करेंगे, तो एयर कंटेंट, एयर कंटेंट इज गिवन एज 3% ऑफ 0.25 मीटर क्यूब, ये दे रखा है ना, एयर कंटेंट, एयर कंटेंट इनटू वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, क्लियर। तो यहां पर आपका
volume of concrete is given as 0.25 meter cube. हां जी, water 0.5 mc divided by rho w, क्योंकि g तो 1 होता है ना, g तो आपका 1 होता है, mc divided by 3.15 into 100. तो यहां पर आपका सीमेंट का अमाउंट निकल के आ जाएगा एमसी की फॉर्म में, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है ना सीमेंट की, 2.1 एमसी 2.65 इंटू 1000, 3.5 एमसी 2.7 इंटू 1000. तो पूरे इस इक्वेशन में मेरा मास ऑफ सीमेंट इज बेसिकली अननोन वैल्यू, और एक बार मेरी मास ऑफ सीमेंट आ गया तो मेरा रेशियो क्या था बेटा, 1:2, 2.1:3.5, उसने हमें रेशियो दे रखा था, एंड वाटर सीमेंट रेशियो था मेरा 0.5. दिस वाज बेसिकली C:S:A, है ना, यही था ना. सीमेंट अगर मेरी आ गई तो क्या मैं सैंड को नहीं निकाल सकता हूं, सैंड विल बी इक्वल टू 2.1 सीमेंट, वैल्यू आ गई, आंसर आता है. कोर्स एग्रीगेट्स, सी ए जिसको बोल रहे हैं आप, कोर्स एग्रीगेट्स 3.5 टाइम्स ऑफ द सीमेंट अमाउंट, मास ऑफ द सीमेंट, वैल्यू आ गई. वाटर सीमेंट रेशो 0.5 था, तो जनरली अगर आपका सीमेंट का अमाउंट है तो 0.5 कर दो तो मेरा बेसिकली क्या आ जाएगा, आपका अमाउंट आ जाएगा किसका, आपका अमाउंट किसका आ जाएगा जी, जनरली आपका वाटर का अमाउंट आ जाएगा, है ना. तो अमाउंट ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.5 इंटू 83.44 किलोग्राम ही आएगा. मैं एक बार कैलकुलेटर निकाल लेता हूं, है ना. तो जी यहां पर आपकी वैल्यूज, दैट इज 83.44 भागा 2, 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आती है मेरी 41.72 किलोग्राम, ठीक है ना, 41.72 किलोग्राम. बाकी डेटा हमारे काम का नहीं है, बाकी डेटा को हम डिलीट कर देते हैं, है ना. ओके, बाकी डेटा एक्चुअली मैंने आपको साथ के साथ समझा दिया ना बेटा, तो इसलिए बाकी डेटा को आपको यहां पर लिखने की जरूरत, कंफ्यूजन नहीं करना कोई भी, नो कंफ्यूजन शुड बी देयर. ओके, सही है. सो बेटा, दिस वाज योर आंसर ऑफ, यू कैन से, ठीक है. आइए वापस करते हैं डिस्कस. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हमने डिस्कस किया कि उसने हमें एक प्रोपोर्शंस की वैल्यू दी थी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शंस व्हाट आर द मास ऑफ डिफरेंट इनग्रेडियंट्स दैट वी हैड टू कैलकुलेट, वो हमें लोगों को निकालना था, दैट वी हैड टू कैलकुलेट. ओके, नाउ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. हां जी, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 क्यूबिक मीटर. कितना कंक्रीट दिया, 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए निकालना है. फॉर मैक्सिमम प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन कितना दे रखा, 1:1.4:2.8. आप एक बात और देख पा रहे हैं, कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट्स का रेशो बेसिकली 1:2 का दे रखा है ना, बाई वॉल्यूम, क्योंकि न्यूमेरिकली वो बाई वॉल्यूम ही देगा, आपको प्रैक्टिकली बाई वेट करवाना है. वाटर सीमेंट रेशो दे दिया, जो गिवन डेटा है वो मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये डेटा मुझे दिया, ये डेटा मुझे दिया, एंड सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का मुझे रेशो दिया, क्लियर. बल्क डेंसिटी ऑफ सीमेंट सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट्स आर बेसिकली गिवन एज 14.7-15.8 किलोमीटर पर मीटर क्यूब. परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट 2%, जीसी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15, 2.6 एंड 2.5. एग्जैक्टली सेम न्यूमेरिकल इज देयर जो हमने पहले डिस्कस किया है, रिपीट कर देता हूं, आपका रिवीजन हो जाएगा.
volume of concrete is equal to the volume of air, volume of water and volume of the solids. Yeah, solids may contain the cement, the sand and the aggregates. Solids may contain the cement, sand and aggregates. Okay, hanji. For 1 meter cube of the concrete, we have to produce, or we have to basically calculate the amount of, or you can say the mass of the different materials, different ingredients. How much amount of the air percentage, that is 2% is given, of the volume of the concrete, that is 2 into 1 by 100. Now, water, mass of water by density of the water, mass of cement by GC rho w, mass of sand by GC rho, GS rho w, mass of coarse aggregates by GCA into rho w. GCA is given, GS is given, GC is given. Specific gravity of cement, specific gravity of sand, specific gravity of the coarse aggregates are given to you, that is 3.15, 2.6 and 2.5 respectively. है ना? हाँ जी. अरे भैया कर दो ना पुटे. वाटर सीमेंट रेशो 0.48 दे रखा है, तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 0.48 इनटू रो डब्ल्यू इनटू वीसी हो जाएगा ना. अरे भैया मास ऑफ सीमेंट कितना है? नहीं गिवन है, पर कोई बात नहीं. अरे भाई मास ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, नहीं होगा क्या? उसके रिस्पेक्ट में बात करनी है ना, कर लो बात, हो गया सारा काम खत्म. सही है ना? मास ऑफ वाटर आपका आ जाएगा, और सॉरी इसमें डेंसिटी ऑफ सीमेंट मैंने लिख दिया, दिस इज नॉट ओके. डेंसिटी ऑफ सीमेंट इनटू वॉल्यूम ऑफ सीमेंट. ओके हां जी, बाकी सारी चीजें एज इट इज, सब में वैल्यूज पुट कर दी. ये रहो, ये सारी चीजें हमने वैल्यूज पुट की हैं. तो यहां से इस पूरे इससे पूरे इसमें अननोन क्या है बेटा, डेंसिटी ऑफ वाटर से डेंसिटी ऑफ वाटर चीर दीजिए, है ना. डेंसिटी ऑफ सीमेंट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सैंड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. तो पूरे इक्वेशन को सोल्व करने के बाद, कंप्लीट इक्वेशन को सोल्व करने के बाद, यू विल फाइंड द आंसर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट, दैट इज 0.25 meter cube. नाउ डेंसिटी ऑफ अ सीमेंट कहीं पर उसने गिवन नहीं दिया है, दे रखा ना ये 14.7 kilometer per meter cube, एंड कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट्स की डेंसिटी 15.68 kilometer per meter cube, है ना. तो मास ऑफ सीमेंट क्या हम लोग निकाल सकते हैं? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो 0.25 इनटू यू कैन से डेंसिटी इज 14.7 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इनटू मीटर क्यूब, चीर दो किलो न्यूटन. आगे कन्वर्ट करवा लेंगे, एक किलोग्राम में 10 न्यूटन होते हैं जी. सही है ना, अकॉर्डिंगली चेंज करवा लेंगे. फाइनल आंसर मेरा किलोग्राम में 369 किलोग्राम आ जाएगा. अब वॉल्यूम ऑफ सैंड विल बी इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाई द वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट, इतनी वैल्यू आई. तो यहां पर ये वैल्यू हाउ इट इज बीइंग कैलकुलेटेड, दैट इज कैलकुलेटेड बाय द सिंपल फार्मूला 2.351 इनटू हाउ मच ऑफ द डेंसिटी इज गिवन, दैट इज 15.68 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, एंड मीटर क्यूब ऊपर बैठा हुआ था वॉल्यूम में. कन्वर्जन करने के बाद वैल्यू आपकी आ जाएगी. सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स हमने निकाल लिया एंड उस फार्मूला में वैल्यू पुट कर दिया, एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा 177 लीटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा 177 लीटर. तो मास ऑफ वाटर तो हमारा बराबर ही आ गया, मास ऑफ वाटर तो हमारा बेसिकली बराबर आ गया. कैसे निकला? वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4.48, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो कितना दे रखा था बेटा, 0.48 दे रखा था, इनटू वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट. वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इज 0.251, है ना. वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 0.251, उतनी वॉल्यूम आ जाएगी, उतनी आपकी वॉल्यूम आ जाएगी.
किलोग्राम में निकाल लीजिए, वैल्यू आ जाएगी, है ना, इंटू 1000 कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। लेट मी चेक द आंसर, 0.48, 0.251 इंटू 1000, जो भी वट एवर द वैल्यू, है ना, उतना आपका बेसिकली लीटर्स में आ जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा वैल्यू था बेटा, इसको हमने, इस न्यूमेरिकल को हमने सोल्व किया है यूजिंग द बैचिंग बाई वॉल्यूम, एंड पहले वाले को सोल्व किया था बैचिंग बाई वेट, दोनों अलग अलग न्यूमेरिकल्स हैं। क्लियर? हाँ जी, आगे चलते हैं। तो दीज आर बेसिकली आवर आंसर्स। ओके, ये हमारे आंसर आ गए, एंड सिमिलरली यहां पर हमारे ये आंसर्स थे। ओके, चलिए दो क्वेश्चन हो गए हैं, तीसरे क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन, मिनिमम लिख लो इस पर, एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक है, एक बार इसको मिनिमम कर देते हैं। ओके, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिजाइन मिक्स 1-3-6 M10 ग्रेड दे दिया उसने, है ना, PCC का, है ना, लीन कॉन्क्रीट। इन विच सीमेंट एडेड इज 300 किलोग्राम। फार्मूला क्या था बेटा? फार्मूला मैंने बताया था, 0.3P 0.1Y 0.01Z वट एवर द वाटर सीमेंट रेशियो मल्टीप्लाइड बाई P। ये फार्मूला था कि नहीं था बता दो, बस फाइननेस मॉडल्स के ऊपर आधारित। दिस फार्मूला वॉज बेस्ड अपॉन द फाइननेस मॉडल्स। ओके, तो जी 0.3P इज द सीमेंट था ना, 0.1 × Y रेशो दे रखा 1:3:6, तो 1:3:6 सीमेंट इज टू सैंड इज टू एग्रीगेट्स, है ना, तो Y की वैल्यू हो गई 3:1, और सॉरी जो भी सीमेंट है मतलब 3 × 300 ना, और Z का वैल्यू हो गया कोर्स एग्रीगेट्स 6 × 300, P का वैल्यू हो गया 300। ये डेटा गिवन है ना भैया, P दे दिया, ये हमारा Y निकल गया एंड ये हमारा Z निकल गया। वाटर सीमेंट, वाटर निकालना है, सीमेंट दे रखा है, P भी दे रखा है, चीर दीजिए, वाटर का वैल्यू निकल के आ जाएगा, एंड द वैल्यू इज इक्वल टू द, यू कैन से अबाउट 198 लीटर, है ना, वैल्यू हमारा कितना आ गया 198 लीटर, है ना, तो आंसर हमारा आ गया जी 198 लीटर। ओके, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर और द मास ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड इज 198 लीटर। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन और कराएंगे बस, डिजाइन मिक्स आपका पूरा हो जाएगा। हाँ जी, एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट फाइन एग्रीगेट्स कोर्स एग्रीगेट्स पर क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द कंक्रीट के लिए यू हैव टू सॉल्व। वाइड रेशियो इन द सीमेंट आर, और वाइड्स 62% सीमेंट में है, 41% फाइन एग्रीगेट्स में है, 45% कोर्स एग्रीगेट्स में है। मटेरियल प्रॉपर्टी आर एज फॉलोज,
mixed proportion C is to S is to A. एक दो चार है, वाटर सीमेंट रेशो 0.55 है. क्लियर. वन बैग ऑफ सीमेंट 50 किलोग्राम है, ये तो उसने चलो लिखने की बात है. डेंसिटी 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है. फाइन एग्रीगेट 1700 किलोग्राम, कोर्स एग्रीगेट 1600 किलोग्राम. एक बैग ऑफ सीमेंट 34.7 लीटर 0.3475 मीटर क्यूब. ओके 0.0347 मीटर क्यूब उसकी वॉल्यूम है ना. हां जी, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड्स एंड सॉलिड्स, एंड वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज ऑल्सो इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वाटर इन द वाइड्स, सीमेंट सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट्स इन द सॉलिड्स. एयर कंटेंट अगर नहीं गिवन है तो अज्यूम कर लो, लिख भी रखा है, अगर एयर कंटेंट इज नॉट गिवन तो 2% एज्यूम कर लिया. जनरली 2% ही मानते हैं, है ना. जनरली एयर कंटेंट दो परसेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट. क्लियर. हां जी, तो आगे अगर मैं बात करूं तो भैया अब हमारा थोड़ी सी सोइल मैकेनिक्स को मुझे यहां पर ओपन करना पड़ेगा, है ना. बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द यू कैन से सैंड और सॉलिड्स जनरली इज इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द 1+ E. ई क्या है मेरा, वाइड रेशियो है. ई हमारा वाइड रेशियो, और अगर मैं एन यूज करूंगा तो मैं यूज किसको करूंगा बेटा, पोरोसिटी को यूज करूंगा, है ना. यूज में किसको करूंगा, पोरोसिटी को यूज करूंगा. तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द 1+E. टोटल वॉल्यूम किसके बराबर है, अगर मैं मास पर यूनिट डेंसिटी कर दूं तो क्या मेरा टोटल वॉल्यूम नहीं बन गया, क्या हमारा टोटल वॉल्यूम नहीं बन गया, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 1+E. चलिए हमने जनरल प्रिंसिपल देख लिया, क्योंकि मास की फॉर्म में वी हैव टू बेसिकली मेक द कैलकुलेशंस. ओके नाउ, एक मीटर क्यूब ऑफ द कंक्रीट, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, एयर कंटेंट इज 2%, हो गया सब. वाटर सीमेंट रेशियो इज गिवन एज बेसिकली 0.55. वाटर सीमेंट रेशियो इज गिवन एज 0.55, तो 0.55 MC डिवाइडेड बाई रो ऑफ वाटर, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया, सही है ना. हां जी, बाकी सीमेंट सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट्स M डिवाइडेड बाई रो इंटू 1+E, एंड बेसिकली मास का जो भी हमें प्रोपोर्शन देखना है 1:2:4 दे रखा ना उसने, नहीं दे रखा तो मान लो ये रहा 1:2:4, है ना. 1:2:4 1:2:4 वेरिएशन दे रखा है, मास उस प्रोपोर्शन में आ जाएगा 1:2:4 1:2:4 आ गया ना. हां जी, डेंसिटी ऑफ सीमेंट, डेंसिटी ऑफ सैंड एंड डेंसिटी ऑफ द कोर्स एग्रीगेट्स ये रहा 1440, 1600 एंड 1700, तीनों दे रखी हैं. तो 1440, 1600 और 1700, 1:2:4 ये पहला पैरामीटर सोल्व हो चुका है. रो ऑफ वाटर तो मेरा 1000 होता है, एंड डेंसिटी ऑफ द सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट्स दे रखी हैं. अब बात करते हैं वाइड रेशियो की, 62%, 41% एंड 45%, 62, 41 एंड 45%. पूरी इस इक्वेशन में मेरा वैल्यू अननोन है, किसका, एमसी का, मास ऑफ द सीमेंट का. पूरी इक्वेशन में हमारा क्या अननोन है जी, एमसी, दैट इज द मास ऑफ द सीमेंट, एंड आफ्टर कैलकुलेशन यू विल फाइंड द आंसर एज 277 किलोग्राम्स.
अब तो आप आसानी से आराम से निकाल सकते चीजों को। अगर ये आया तो 2 × 277 4 × 277 मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.5 × 277 हो गया जी आंसर। कोई भी डाउट पूछ लीजिए, नहीं तो आप इसको नोट कर सकते हैं जी। दिस इज आंसर एंड दीज आर द आंसर्स। कोई भी डाउट हो पूछिए, नहीं तो नोट कीजिए। यहां तक आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। यह हमारा हो गया वाइड रेशियो के ऊपर आधारित न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करेंगे। चार पांच प्रकार के न्यूमेरिकल हो गए ना, मजा आ रहा है ना। हां जी, क्वेश्चन नंबर लास्ट, पांचवा क्वेश्चन। अभी तक आप देख रहे हैं कि मैं प्रोपोर्शंस दे करके उनकी वैल्यूज निकलवा रहा हूं। आगे वाले न्यूमेरिकल्स करेंगे प्रोपोर्शंस ना दे करके उनके प्रोपोर्शन फिक्स करवाना ऑन द बेसिस ऑफ द डिजाइन टारगेट मीन स्ट्रेंथ। टारगेट मीन स्ट्रेंथ के ऊपर आधारित उनके प्रोपोर्शंस फिक्स करवाना विल बी अवर मेन मोटो फॉर द नेक्स्ट क्लास। ओके, हां जी। द डेटा ऑफ द मटेरियल फॉर मेकिंग ए सीमेंट कंक्रीट मिक्स मे बी एज्यूम्ड फॉर द सीमेंट कंक्रीट मिक्स फॉर द मे बी एज्यूम्ड एज फॉलोज। वाटर सीमेंट रेशियो दे दिया एंड एयर एंट्रेंड दे दिया। एयर एंट्रेंड कितना दिया जी, 2%, और यू कैन से द एयर कंटेंट क्लियर। एयर कंटेंट दिया बेटा 2%, वाटर सीमेंट रेशियो दिया बेटा 0.48। ओके, नाउ और भी वैल्यूज दे रखी हैं। सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी, फाइन एग्रीगेट्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी और कोर्स एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी दे रखा है और प्रोपोर्शन दे रखा है 1:359 is to 2.79। ओके, नाउ ये प्रोपोर्शन दे रखा है जी। चलो डेंसिटी तो चलता रहेगा, हमें सीमेंट इज टू सैंड इज टू कोर्स एग्रीगेट्स की बात करनी है। डिटरमाइन द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ द फुल्ली कंपैक्टेड फ्रेश कंक्रीट। मतलब कंपैक्शन फैक्टर कितना दे दिया, 1 दे दिया। कंपैक्शन फैक्टर हाउ मच इज गिवन, 1 इज गिवन इग्नोरिंग द एयर कंटेंट। ऑब्वियस बात है तभी कंपैक्शन फैक्टर 1 हो सकता है, बाय द 1 बैग ऑफ द सीमेंट ऑफ द 50 किलोग्राम। हम लोगों को कंक्रीट कितना प्रोड्यूस होगा डेट वी हैव टू कैलकुलेट, डेट वी हैव टू कैलकुलेट। ओके, कंक्रीट, हाउ मच कंक्रीट विल बी प्रोड्यूस्ड दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक है ना, हाउ मच अमाउंट ऑफ द कंक्रीट विल बी प्रोड्यूस्ड दैट वी नीड टू कैलकुलेट। ओके, पहली बात। दूसरी बात, सीमेंट कंटेंट पर क्यूबिक मीटर, एक क्यूबिक मीटर में कितना सीमेंट कंटेंट लगेगा। एयर कंटेंट को रिमूव कर देना है, प्रोड्यूस बाय द 1 बैग ऑफ द सीमेंट 50 किलोग्राम। तो इन जनरल वे
मुझे वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट प्रोड्यूस्ड निकालना है सीमेंट पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट निकालना है। गिवन डेटा आपके सामने है, सारा गिवन डेटा है। एयर कंटेंट दे दिया 2% एंड वाटर सीमेंट रेशियो दे दिया 0.48 एंड आपका सीमेंट इज टू सैंड इज टू एग्रीगेट्स का रेशियो दे दिया एंड क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल्स लाइकवाइज द वाटर लाइकवाइज द फाइन एग्रीगेट्स लाइकवाइज द कोर्स एग्रीगेट्स। दिस क्वांटिटी ऑफ द वाटर वी ऑल्सो नीड टू कैलकुलेट, दिस क्वांटिटी ऑफ द वाटर वी ऑल्सो नीड टू कैलकुलेट, सॉरी दिस क्वांटिटी ऑफ द डिफरेंट मटीरियल्स वी ऑल्सो नीड टू कैलकुलेट। ओके हां जी, ये तीन क्वेश्चंस उसने हमें दिए हैं, तो इनडायरेक्ट वे में ये तो एक क्वेश्चन तो हम लोग करते ही आ रहे हैं भैया, सीमेंट सैंड एग्रीगेट्स एंड द वाटर का क्वांटिटी निकालते हुए तो हम आ ही रहे हैं, प्रोपोर्शन दे ही रखा है, तो इसमें तो इन दोनों प्रोपोर्शन में तो इन दोनों वैल्यूज में तो कोई इश्यू नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज वी हैव टू कैलकुलेट बाई फॉर वन क्यूबिक मीटर पर क्यूबिक मीटर ऑफ द कंक्रीट। नाउ इफ यू नीड टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट प्रोड्यूस्ड बाई द यू कैन से वन बैग ऑफ द सीमेंट हैविंग द मास एज 50 किलोग्राम एंड वॉल्यूम एज 0.03475 क्यूबिक मीटर, यही बात है ना, 0.03475 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ द वन बैग ऑफ द सीमेंट, तो वे दैट वैल्यूज वी हैव टू बेसिकली कैलकुलेट। ओके क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, डेंसिटी दे रखी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, और ये प्रोपोर्शन मैंने बेसिकली बाय वेट उसने दिया, तो हम लोगों को ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज भी नहीं करना पड़ेगा, है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी का तो यूज करना ही नहीं पड़ेगा जनरली। हाँ जी, तो बेटा अब मैं अगर आगे बात करूं, आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी डेंसिटी ऑफ द सॉलिड्स विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना, मास ऑफ सॉलिड्स। तो इन जनरल अगर आप यहां से बेसिकली मास को मैंने एम बोल दिया, है ना, मास को हमने एम बोल दिया, तो जनरली हमारी जो वैल्यूज काम आएंगी वो इस तरीके से काम आएंगी, जी की वैल्यूज, है ना। बाकी अगर आप ऊपर वाले झमेले में नहीं पड़ेंगे तो भी बेसिकली उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, रीजन है कि वो चीज हमारी बेसिकली भी रिपीट हो रही है, ये चीज हमारी बेसिकली रिपीट हो रही है, ये चीज हम लोग मैं डिस्कस करवा चुका हूं ना आपको, अभी हमने न्यूमेरिकल नंबर जो 2 डिस्कस किया था वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर तो आधारित था, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको बार बार रिपीट करने में कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ जी आइए, ओके देखिएगा ध्यान से, तो भैया अगर हम यहां पर बात करें, दिस इज द एयर द फॉन्ट कंटेंट इज वेरी वेरी लार्ज, वाज दिस वाज द एयर कंटेंट, ओके नाउ दिस वाज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सैंड एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स, ओके
and this is the total volume of the concrete. ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड्स एंड सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स एंड सॉलिड्स, एंड वही सेम चीज आपका इनडायरेक्ट वे में एयर एंड वाटर एंड यू कैन से एयर वाटर सीमेंट सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट्स इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड्स, एयर एंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ द बेसिकली यू कैन से द वाइड्स. ओके, हेलो हेलो हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई किए, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द एयर जनरली 2% इज गिवन, इफ नॉट गिवन दैट यू कैन एज्यूम, तो 2 × 1/100 हो गया सॉल्यूशन परसेंटेज में. मास ऑफ वाटर 0.48 VC रो सी डिवाइडेड बाई रो ऑफ वाटर, सीमेंट के अमाउंट में आपने, क्योंकि मेरा वाटर सीमेंट रेशियो इज गिवन एज 0.48 एंड देन द रेशियो ऑफ द सीमेंट इज टू सैंड इज टू एग्रीगेट्स इज गिवन एज 2.79 तो भैया इसमें हम लोगों ने केवल चीजों को अप्लाई किया है जहां पर मेरा वॉल्यूम ऑफ बेसिकली, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं बिकॉज जो उसने हमें प्रोपोर्शंस दे रखा है वो बाई वेट भी दे रखा है, तो आप उसको डायरेक्ट भी सोल्व करेंगे तो वो डायरेक्ट में आपकी गलत नहीं होगा, डायरेक्ट सोल्व करने में वो आपका गलत नहीं होगा. ठीक है ना, तो पूरी इक्वेशन में सारी वैल्यूज को मैंने पुट किया, जी सी दे रखा है, जी एस दे रखा है, जी सी ए दे रखा है, रो सी ए दे रखा है, रो एस दे रखा है, रो सी दे रखा है. ठीक है ना, तो डेंसिटी दे रखी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, रो ऑफ वाटर तो मेरा 1000 होता ही है, रो ऑफ वाटर तो हमारा 1000 होता ही होता है. तो सारी वैल्यूज को सोल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट is equal to the 0.271 meter cube. तो जी मास ऑफ सीमेंट तो आप निकाल सकते हो, मास ऑफ सीमेंट वापिस आइए, वट इज द डेंसिटी ऑफ द सीमेंट दैट इज गिवन टू यू, दैट इज 1600, 1620 and 1560. सो दिस इज गिवन एज 1600 × 0.2706 किलोग्राम आ गया आंसर. मास ऑफ सैंड इज 1620 × 0.3677. हाउ दिस कम्स, दैट इज 1 into
3.59 into 0.2706. And how this comes? 2.79 into 0.2706. This is the volume of coarse aggregates, and this is the volume of sand. Now, from here, mass of coarse aggregates is equal to the, how much density is given? That is 1560. That is 1560 into basically 0.755 gives me these values, and these are our answers. Okay. These are our answers. Okay. तो जी यहां पर हमने एक जनरल बात लिखी कि 406 किलोग्राम सीमेंट ने एक मीटर क्यूब ऑफ द कंक्रीट बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? उसने क्या लिखाया था? एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ द फुली कंपैक्टेड कंक्रीट प्रोड्यूस बाय द 50 किलोग्राम सीमेंट। जो हमने भी प्रोपोर्शन निकाले वो 406 किलोग्राम सीमेंट के ऊपर आधारित, प्रोपोर्शंस ऑफ द the mass of the ingredients of the water, likewise the fine aggregate, the coarse aggregates था. अब हमारा, हमें 50 किलोग्राम के ऊपर आधारित we have to calculate. बस उसको basically you can say prorata कर देंगे. 406 point और 406 किलोग्राम सीमेंट प्रोड्यूस 1 meter cube concrete, बिल्कुल सही बात है. तो 50 कितना करेगी रे मेरे भाई, 50 कितना करेगी? यहां पर हम लोगों की वैल्यू निकाल लो. 406 किलोग्राम ऑफ द सीमेंट प्रोड्यूस 1 से 2% ऑफ 1 meter क्यूब, बेसिकली ये मैंने एयर को हटा दिया. तो जनरली एक्सक्लूडिंग एयर अगर बात करोगे, एयर को हटा करके, इंक्लूडिंग एयर था ना 1 meter क्यूब, तो 2% to 1% अगर हटा दोगे तो 0.98 प्रोड्यूस किया उसने, 0.98 मीटर क्यूब ऑफ द कंक्रीट एक्सक्लूडिंग द एयर को छोड़ के, सही है ना? तो जी अगर 406 किलोग्राम ने सीमेंट ने प्रोड्यूस 0.9 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट एक्चुअल एयर को हटा करके, तो बेटा 50 किलोग्राम कितना करेगी जी? 0.98 इंटू 406 बाई 50, वैल्यू इज दिस वन. दिस इज द आंसर ऑफ द, यू कैन से एब्सोल्यूट वॉल्यूम, एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट बाई 50 किलोग्राम ऑफ सीमेंट, सही है ना? एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट बाई द 50 किलोग्राम ऑफ द सीमेंट. ओके, नाउ सेकेंड, 50 किलोग्राम वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालनी उसकी, तो 50 बाई उसकी डेंसिटी निकाल लो 0.034. सीमेंट कंटेंट आपका कितना परसेंट आ गया? 28.19% आ गया. यहां पर इतनी वॉल्यूम कितनी आई थी? 2706 ना, तो आपका वैल्यू आ गई 28.19%. ओके, यहां पर हमारी वैल्यू आ गई 28.19%. एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, 0.034 ओके, ठीक है ना? हां जी. अब हमारा रह गया इस कंक्रीट के आधार पर हमने कैलकुलेट किया कि उसमें मेरी सीमेंट का कंटेंट कितना परसेंट है, 28.19% है ना, बस हो गया. और बाकी हमने जो मटेरियल्स निकाले हो तो पर मीटर क्यूब ही निकाले, जो हमने रिमेनिंग मटेरियल्स कैलकुलेट किए हैं वो तो हमने पर मीटर क्यूब ही तो निकाले हैं, है ना? तो बेटा यहां पर हमने अभी जो डिजाइन मिक्स पढ़ा है, ये डिजाइन मिक्स कुछ इस तरीके का था कि आपका, आप मान लो कि हमने, उसने हमें प्रोपोर्शन दे दिया और हमने उनका मास निकाल के दे दिया ऑन द बेसिस ऑफ द एब्सोल्यूट वॉल्यूम प्रिंसिपल, ऑन द बेसिस ऑफ द एब्सोल्यूट वॉल्यूम प्रिंसिपल. लेकिन अगर इसके अपोजिट सिचुएशन हो, अभी हमने यहां पर कोई भी डिजाइन मिक्स वाले पैरामीटर्स को तो अप्लाई किया ही नहीं कि आपकी टारगेट मीन स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट टारगेट मीन स्ट्रेंथ है
व्हाटएवर द प्रोपोर्शन ऑफ द सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट्स विल बी देयर, वो तो हमने निकाला ही नहीं। तो डिजाइन मिक्स बेसिकली दो प्रकार का हो गया, प्रोपोर्शन दे उनके मटेरियल्स को फिक्स करवाना वन कैटेगरी, प्रोपोर्शन ना दे डिजाइन स्ट्रेंथ या फिर ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे डिफाइन करे कि फलाने फलाने ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए M40 के लिए M35 के लिए सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट्स का क्या प्रोपोर्शन रहेगा, पानी कितना लगेगा, एडमिक्सर कितना लगेगा, सिलिका फ्यूम कितनी लगेगी, फ्लाई एस कितनी लगेगी। अब सॉरी यहां पर मैंने एक वर्ड मेरे मुंह से निकल गया, फ्लाई एस। तो अगर फ्लाई एस बेस्ड है, अगर पीपीसी है तो फ्लाई एस का अमाउंट कितना होगा, सीमेंटिशियस अमाउंट कितना होगा, एंड अगर फ्लाई एस नहीं है मींस ओपीसी है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, तो ओनली सीमेंटिशियस कंपाउंड कितना होगा, दैट वी हैव टू डिटरमाइन। समझ रहे ना, आपको फिर वो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि फ्लाई एस है तो फ्लाई एस का अमाउंट कितना होगा, मींस इन द फॉर्म ऑफ द पीपीसी पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, है ना। सो हम लोग वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में। ओके, सो यहां तक हम लोग, मैं इसको समअप कर देता हूं। इनिशियली वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द नॉमिनल मिक्स, डिजाइन मिक्स प्रोसीजर क्या मेरा स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहेगा। After that, we had discussed some questions based upon the some proportions. Okay. Thank you so much. Goodbye and keep learning with Carryville. Thank you. Okay. Milte hain next video class mein with the next numericals of or basically two questions of the grade based. Thank you so much. Goodbye and keep learning with Carryville.